पिक कर दे यार, पिक ही नहीं कर रहे बंदे। हैकर भाई, हेलो चैट, देखा 16 लाइव 16 वाचिंग गाइस। अरे भाई वायरस 2 ओपी लाइव सर्च करो। निर्लज तू फिर आ गया। दादाजी लाइव स्ट्रीम कर रहा, वायरस 2 ओपी लाइव सर्च करो बेटी। हेलो भाई साहब, हेलो। हाँ 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 बेटा बोलो ना। हेलो कूल कूल, वायरस 2 ओपी लाइव सर्च करो यूट्यूब पे। मंदिर बना नहीं कि भिखारी पहले आ गए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो रैंक पुशिंग गेम प्ले। तो अभी अपन ये सीज़न भी बहुत जल्दी हैश वन करने वाले हैं। तो मतलब पिछले सीज़न मैंने BGMI में किया था हैश वन, अब इस सीज़न पबजी में करेंगे। तो यहाँ पे मेरा करंट रैंक अभी स्क्रीन पे तुम देख सकते हो, 11 चल रहा है सोलो में। और आज रात को टॉप 10 का ट्राई करेंगे रात को स्ट्रीम पर। तो इसी चैनल पर डेली स्ट्रीम करता हूँ, तो आना मत भूलना। तो अभी तो इवेंट पर आ गया था, इवेंट काफ़ी दूर था ना यहाँ से। और ये मैच में क्या होने वाला है कि ना, मतलब जैसे ही मतलब हाफ गेम ख़त्म हो चुका था और उसके बाद ना मेरा लाइट ही चला गया था घर में का, तो यहाँ पे पूरा नेट वेट सब बंद हो चुका था। तो कैसे तो मैंने हॉटस्पॉट का जुगाड़ किया यहाँ पर, और लकीली अपन एंड तक सर्वाइव कर लिया और चिकन भी निकाल लिया ये मैच। अब यहाँ पे इवेंट पे मैं आ गया था छत पे, तो यहाँ पे छत पे जस्ट लैंड किया मैंने, गाड़ी लेके आया था, इवेंट काफ़ी दूर था। तो जैसे ही छत पे आया, एक बंदा ऊपर आता है ओपन में लूटने। तब इस बंदे को मार के अपने को अच्छी खासी लूट मिल चुकी थी, M4 और UMP मिल चुकी थी। उसके बाद सामने दो बंदों का फाइट हो रहा था, तो हम अपन ने थर्ड पार्टी कर लिया उन पे और उनमें से मिल गए थे अपने को MK। तो अब इस बंदे का MK चलाने के बाद इसकी रिलोड पे लग गई थी, तो इसके मारने के बाद यहाँ पे इसके कपड़े उठा लिए थे। और मैं सोचा यहाँ पे डिसाइड किया था कि बाहर वाले बंदों को मारेंगे। तो तभी उसके बाद थोड़ी देर इसे यहाँ पे फाइट लिया, थोड़े एक किल्स वगैरह निकाले, उसके बाद यहाँ पे मेरा लाइट चला गया था। तो आते अभी डायरेक्टली एंड सर्कल में, तो जो एंड सर्कल था वो बन रहा था पोचिंग की का, जो स्क्वाडर्स होते ना अंदर की साइड में वहाँ का। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सेंटर कंपाउंड में स्लैम दे दिया जो कि स्क्वाड हाउस पे था। और यहाँ पे देखो कोई गाड़ी वगैरह नहीं लगा है स्क्वाड हाउस के नीचे, तो ठीक है मैं समझा यहाँ पे कोई नहीं होगा। बट मैं गया ऊपर ग्राउंड फ्लोर, मैंने चेक किया कोई था नहीं, बालकनी मैंने चेक किया, मैंने छत पे भी देखा, बट मैंने छत पे लेफ्ट साइड में देखा जंप करके, कोई दिखा तो नहीं था। और फिर पैनिक रूम चेक नहीं किया मैंने, ठीक है। तो काफ़ी देर से मैंने यहाँ पे होल्ड किया, और जैसे ही होल्ड कर रहा था यहाँ पे मैं जैसे घूम के देख रहा था, मतलब टीवी पे ले रहा था यहाँ पे, तो मैंने जस्ट घूम के पीछे देखा, तो यहाँ पे गाड़ी लगा था ओपन में और मेरी साइड फेस था वो गाड़ी का।
तो मैं समझ गया कोई ना कोई बंदा कैम्प कर रहा हो सकता है मेरी बिल्डिंग में, क्योंकि इतने ज़्यादा कैंपर्स आ रहे हैं ना। मैं तो सबसे पहले तो मैंने अपना पैनिक रूम चेक किया टीवी भी लेके, कोई नहीं था, और ऊपर का दरवाज़ा जस्ट खोला, तभी देख सकते हो भाई क्या गंदा बंदा बैठा है ऊपर छत पे, 9 फुट, जब से मैं आया यहाँ पे 0 फुट पे बैठा हुआ है। अब आप जो जोन है ना वो ओपन में शिफ्ट हो चुका था, और मैंने पीछे वाले बंदे को ट्राई किया कि सब क्लियर हो जाए, पीछे से अपने को जितने किल्स मिल सकते उठा ले, बट यहाँ पे और कोई बंदे आए नहीं थे पोचिंग से। यहाँ से मैंने गाड़ी लेके सीधा सेंटर में स्लैम दी थी। अब जो राइट में ट्रक देख रहे हो वहाँ पे एक बंदा था, वहाँ से शॉट्स आ रहे थे और बग्गी भी लगा हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट वहाँ पे ही स्लैम दे दिया क्योंकि वो जोन के सेंटर में था बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे 3 बंदे बचे थे, एक बंदा तो था मेरे सामने था मतलब लेफ्ट साइड में, और एक था राइट में ओपन में। अब जो राइट वाला है उसको जोन में आना था, लेफ्ट वाला तो जोन में था ही, तो जैसे ही राइट वाला जोन में आने को ट्राई करता है मैं उसको मारता हूँ, बट जैसे ही राइट वाले को मारने लगता हूँ ना तो वो लेफ्ट वाला पूरा क्लोज इन कर देता है स्पीड एबिलिटी यूज़ करके। तो अब फाइनली अपना हो चुका है चिकन, ज़्यादा किल्स नहीं हुए, 11 किल्स चिकन डिनर काफ़ी है, क्योंकि लॉबी भी मतलब काफ़ी अच्छा आ रहा है, और मैं ट्राई करूँगा कि हैश वन हो जाए, मतलब होगा ही, ऑफकोर्स होगा 100% इस सीज़न हैश वन हो जाएगा, तो देखते कब तक होता है। तो मिलते हैं रात को गाइस स्ट्रीम पे, डेली लाइव स्ट्रीम होगा इसी चैनल पर, तो 9 या 9:30 को आऊँगा लाइव, तो सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।